हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ कैरेट फेशियल। तो ये इंस्टेंट फेशियल है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ। तो मैं ले रही हूँ सबसे पहले रॉ मिल्क लिया है मैंने, और इसमें थोड़ा सा कैरेट जूस होता है वो मिला लिया है। और मैं अब इससे हल्के हल्के हाथों से मसाज करूँगी और अपने फेस को क्लीन कर लूँगी। एकदम क्लीन हो जाएगा फेस। और ये इंस्टेंट फेशियल है, तो आप इसको कभी भी कर सकते हो, कहीं भी पार्टी फंक्शन के लिए आप कर सकते हो। और डेफिनेटली इससे बहुत ही अच्छा पिंकिश ग्लो आता है और आपके दाग धब्बे भी इससे कम हो जाते हैं। तो आप इस फेशियल को ज़रूर से ज़रूर करके देखिए। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं और मैं अपने क्लीन कर लेती हूँ फेस को। अब स्क्रब बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कैरेट फेशियल, और ये आपके दाग धब्बों पर, आपकी फाइन लाइंस पर, आपके रिंकल्स पर काम करेगा फ्रेंड्स। और बहुत ही अच्छा टाइटन अप फेस कर देता है, बहुत ही अच्छा, और ग्लो तो आता ही है। और विंटर्स में अगर ये वाला फेशियल आपको, इंस्टेंट फेशियल है, बहुत जल्दी ये हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं और सबसे पहले बनाती हूँ मैं स्क्रब। तो स्क्रब के लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ इसमें ये है राइस फ्लोर। तो बस इतना थोड़ा सा ही लेना है, क्योंकि स्क्रब मुझे ज़्यादा नहीं करना होता है, मैं स्क्रब ज़्यादा नहीं करती हूँ, मैं आपको बता दूँ तो। और इस राइस फ्लोर के साथ ही मैं ले रही हूँ थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल, और ये ऑरेंज एसेंशियल ऑयल ले रही हूँ। अगर आपके पास जो भी है आप वो ले लीजिए, बट मेरे पास ऑरेंज भी है, बहुत सारे एसेंशियल ऑयल हैं, इसलिए मैं ये वाला ले रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छा है, और आपके फेस को एकदम, जितने भी दाग धब्बे होंगे, जितना भी कुछ भी प्रॉब्लम्स है ना, तो वो भी कम हो जाएगी। और अब मैंने इसमें 4-5 जो बूंद से ज़्यादा ही डाल दिया है, और मैं इसमें अब ऐड करने जा रही हूँ कैरेट जूस। और कैरेट जूस कैसे निकालना है, आप कद्दूकस कर लीजिए कैरेट को, एक कैरेट का जूस है ये, बस इतना ही काफ़ी होगा। तो मैं इसको मिला लूँगी और चलिए स्क्रब कर लेते हैं। कैसे करना है स्क्रब पता ही आपको, 2 से 3 मिनट में स्क्रब करूंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी स्क्रब में। तो चलिए स्क्रब करते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों ने देख लिया है मैंने स्क्रब बना लिया है। इसमें मैंने राइस फ्लोर यूज़ किया है और क्लीन हो गया है फेस, बिल्कुल क्लीन कर लिया है मैंने रॉ मिल्क से। और स्क्रब देखिए इस तरह हल्के हाथों से कीजिए, आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से ग्लो। और मैं राइस फ्लोर से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपकी स्किन को ब्राइटन अप कर देता है और लाइटन अप कर देता है इस वजह से। और 2 मिनट्स या 3 मिनट्स आप इसका स्क्रब करिए फेस पर, और जहाँ पर आपको डेड स्किन ज़्यादा है वहाँ पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। तो चलिए मैं स्क्रब कर लेती हूँ आराम से, अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बना लेते हैं फेस मसाज क्रीम। तो मैंने सबसे पहले ले लिया है 3 स्पून के करीब ये कैरेट जूस है, और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ हनी। और हनी आपके स्किन को बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज कर देता है, और इंस्टेंट फेशियल है ये, तो काफ़ी अच्छे से आपके फेस को ग्लोइंग तो बनाएगा ही डेफिनेटली, लेकिन आपके स्किन पर एक बहुत ही अच्छा ग्लो तो ऐड करेगा ही, लेकिन आपके दाग धब्बे भी निकल जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे डेफिनेटली। आप इसको 1 वीक में कर सकते हो, ज़्यादा इसमें मसाज वगैरह कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इंस्टेंट फेशियल है। और इसमें मैं एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ, ये है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल कितना अच्छा होता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आपके दाग धब्बों पर तो काम करता ही है, लेकिन आपके अगर फाइन लाइंस वगैरह हैं तो उन पर भी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आपकी स्किन को ग्लोइंग तो बनाते ही हैं ये एसेंशियल ऑयल्स, तो इसलिए अगर आपके पास नहीं है तो मैं इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से बाय कर सकते हो। काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली इनको आप अपने जो भी फेस पैक वगैरह है उनमें यूज़ कीजिए, या फिर आप अपने कोई भी फेशियल वगैरह कर रहे हो ना, या फिर कोई फेस क्रीम लगा रहे हो तो उसमें भी आप ये यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको टिप हो गए मेरे, तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छे से। तो चलिए मसाज कर लेते हैं। मसाज करने में बहुत ही अच्छे से मसाज करनी है, 5 मिनट्स या जितना टाइम है आपके पास, 5 से 8 मिनट है या फिर 10 मिनट्स, जितना भी आप चाहते हैं मसाज करना तो मसाज कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने जेल कैसे बनाया है। अब मसाज जेल करूँगी, अब मसाज करूँगी फेस की। तो देख सकते हो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है। लाइट का थोड़ा सा इशू होता है, इस वजह से थोड़ा सा डार्क डार्क सा दिखता है, बट बहुत ही अच्छे से फेस पर डेड स्किन निकल गई थी और ग्लो कर रहा था फेस। और इस तरह से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हनी है, हनी से आपका स्किन बहुत ही अच्छे से
ग्लो तो करता ही है हनी से, लेकिन आपको मॉइस्चराइज और हाइड्रेट बहुत अच्छे से हो जाता है। और एसेंशियल ऑयल मैंने ऐड किया है, तो आप एसेंशियल ऑयल डालिए। और जो भी आपको स्टेप्स आते हैं ना, तो आप देखिए मैं इस तरह से लगा ले रही हूँ पहले पूरे फेस पर अच्छे से जेल, और उसके बाद मैं अब इस तरह से करूँगी। और जैसे जैसे मुझे आता है हल्का फुल्का वैसे ही करना है। आप बस डायरेक्शन अच्छे करिए, मतलब हैंड का जो डायरेक्शन है आप अपर डायरेक्शन में कीजिए, जितने भी स्टेप्स होते हैं फेशियल स्टेप्स। तो बस इस तरह से मैं फेशियल कर ले रही हूँ। 8 मिनट में फेशियल करूँगी और 8 मिनट बाद मैं अब फिर फेस पैक लगाऊँगी। तो मैं फेशियल अच्छे से मसाज कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ फेस पैक, तो मैंने लिया है ये कैरेट जूस, और कैरेट जूस आपको पता ही है मैंने कैसे निकाला हुआ है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑरेंज का जो पाउडर है वो ऐड कर रही हूँ। और ऑरेंज पाउडर नहीं है आपके पास तो सैंडलवुड पाउडर है, या फिर आप मुल्तानी मिट्टी, जैसी आपकी स्किन के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। बट ये आपकी स्किन को बहुत जल्दी ज़्यादा ब्राइटन अप कर देता है, लाइटन अप बना देता है, तो डेफिनेटली आप इसको यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा हो जाता है फेस। और मैं सिर्फ यही डालूँगी इसमें, और इसमें मैं थोड़ा सा लेवेंडर ऑयल भी ऐड करूँगी, ताकि आपका फेस एकदम ग्लोई और बहुत ही अच्छे से ये वर्क करता है। तो ये मैं ले रही हूँ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, इसमें सिर्फ 2 ड्रॉप ही ऐड करूँगी, और 2 ड्रॉप मैंने ऐड कर दिया है। तो चलिए फेस पैक भी यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख लिया है आप लोगों ने मैंने पैक कैसे बनाया है। तो ऑरेंज पाउडर इसमें ऐड किया है फ्रेंड्स, और कैरेट जूस मैंने लिया है उसमें बस सिर्फ उसी के साथ मैंने ऑरेंज पाउडर यूज़ किया है, और बस इस तरह से लगा लूँगी। और फिर 10 मिनट्स या 20 मिनट्स के लिए आप इसको रखिए और वॉश कर दीजिए। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि मैंने फेस को वॉश कर लिया है, बिल्कुल क्लीन हो गया है फ्रेंड। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फैमिली मेम्बर साथ, फ्रेंड्स के साथ, और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार। एक लाइक से आपके मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज़ लाइक करिए, अच्छा लगता है। थोड़ा लाइक करोगे तो और भी अच्छे। और मैं आपको हैंड दिखा रही हूँ, ताकि हैंड पर भी मैंने कर लिया था ऐसे मसाज वगैरह, तो मेरा हैंड का भी फेशियल हो गया। तो आई होप सो आप लोगों को ये फेशियल अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय।